के बारे में, एक ऐसी ट्रीटमेंट के बारे में जो कम्प्लीटली प्योर है, नेचुरल है और होलिस्टिक है, जो कम्प्लीटली केमिकल फ्री है, जिसे तैयार किया है वेलेडा लाइफ ने। और यही डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है वेलेडा लाइफ के एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा बाली। वेलेडा वेलनेस एक ऐसा वेलनेस सेंटर जो पिछले 25 सालों से लगातार स्किन और हेयर की समस्याओं का निदान कर रहा है। मॉडर्न टेक्निक्स का समावेश करने के साथ उच्च श्रेणी के रिसर्चर और पारंपरिक चिकित्सीय विद्या के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देते हैं। आज हमारे बीच हैं साई बायो स्किन एंड रिसर्च सेंटर और वेलेडा स्किन एंड हेयर इंस्टीट्यूट से जुड़ी जानी मानी होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा बाली। मेडिसिन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदानों के लिए आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेलेडा वेलनेस का मिशन है एक स्वस्थ समाज। सो फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम डॉक्टर सीमा बाली। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर। डॉक्टर, इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पिंपल्स और डल स्किन के बारे में, लेकिन एपिसोड शुरू करने से सबसे पहले मैं हमारे ऑडियंस को याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरीज है, सीधे फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर, पिंपल्स एंड एक्ने ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत बहुत ही कॉमन है, ये क्यों होते हैं और इसे कैसे ठीक किया जाए? तो देखिए, मुहासे ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। हमारी त्वचा के नीचे थैलियाँ होती हैं जो कि तेल बनाती हैं, उसको नॉर्मली सीबेशियस ग्लैंड कहते हैं। और इनका जो स्टिमुलेशन है जब हमारी एक उम्र आती है पुबर्टी के पीरियड के अंदर, इससे नॉर्मली चालू हो जाती है कि इसका स्टिमुलेटेड आप देखते हो, क्योंकि इंटरनल सिक्रीशंस भी हमारे एंडोक्राइन की बढ़ जाती हैं 13-14 साल की उम्र में। तो आप देखते हैं कि इन ग्रंथियों का साइज़ भी बढ़ जाता है और इससे जितनी भी समस्याएँ हैं कि तेल आपका मात्रा जब सीबम बढ़ गया तो उसमें इन्फेक्शन्स होने से हम आपके सरफेस पर देखते हैं कुछ पैप्यूल्स आ गए हैं, या एक नॉर्मल भाषा में आप देखते हैं कि काले ब्लैक हेड्स आ गया या वाइट हेड्स आ गया। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्ने के अंदर ही दिखती हैं क्योंकि उसमें सूजन आ जाती है इन्फ्लेमेशन के कारण। पर ये समस्या सिर्फ पुबर्टी तक ही नहीं रहती है, ये आप देखते हो 20 साल की उम्र में भी त्वचा में ये एक्ने होता है। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जो कि 40-45 साल में जो कि एडल्ट एक्ने के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे कि उनको ये समस्या, ये नहीं होता कि आपका 20 साल में ही ख़त्म हो गया, उसके बाद भी उनकी परेशानी ज़रूर उनकी त्वचा में रहती है। तो उनको एक अपने लेवल पे सॉल्यूशंस करना है, स्किन के अंदर ज़्यादा अपना हाथ नहीं लगाना है और सफाई का वो लोग ध्यान रखेंगे जिससे कि वो मुहासे की समस्या से समाधान पाएंगे। डॉक्टर सीमा हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, देखते वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी, वेलकम टू वेलेडा लाइफ। आपका नाम? नाम दीपा घोष है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ मैम। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, एक्चुअली मेरे फेस में पिगमेंटेशन कई सालों से ऐसा आपसे काफी ट्रीटमेंट हुआ किया, लेकिन इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा लिटिल बिट हुआ, लेकिन प्योर नहीं हुआ मैम। आपकी टीवी में मैं प्रोग्रेस देखती हूँ तो मैंने आपसे इसके लिए कॉन्टेक्ट किया। हाँ, तो पिगमेंटेशन का समस्या आपने पिछले 8 या 10 साल से महसूस कर रहे हैं? हाँ हाँ, 8-10 साल, मतलब 5-6 तो होगा ही कम से कम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा जब डार्क हुआ तो मुझे लगा कि इसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो मिनिमम वो भी 5-6 साल तो होगा ही होगा। उसके पहले थोड़ा सा रहा, आप तो मतलब पूरे फेस पे ही है और फॉरहेड पे भी है, तो थोड़ा सा वो कम हुआ। आपकी तो प्लीज मैम आप बताइए। देखिए, आपको अपनी समस्या के लिए, पिगमेंटेशन के लिए ये मालूम होना चाहिए कि हमारी जो पिगमेंट होता है, काले रंग का पिगमेंट होता है जो कि हमारे त्वचा के अंदर अलग से कालापन देता है, इसका कुछ फंक्शंस होते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी धूप की किरणें होती हैं उससे ये पिगमेंट हमें बचाता है। हाँ। पर अगर इसी की मात्रा बढ़ जाए तो ये आपको समस्या देता है। अच्छा। और ये जितने भी हमारे हॉट क्लाइमेट्स के अंदर आप देखते हैं कि कोलाज्मा या मेलाज्मा के सरफेस पे आप पाते हैं। हाँ। तो ये हमें सबसे अपने एक्सटर्नल लीजन्स के लिए, एक्सटर्नल चीज़ों का ध्यान देना होता है कि ये क्या कंट्रीब्यूटिंग तो नहीं है। उसके साथ साथ आप देखते हैं कि आपकी जो स्किन की त्वचा है उसमें भी थिकनेस आ गई है, वो भी आपका इस रंग के अंदर ऐड ही करता है। तो अब आपको क्या अपने स्किन में ध्यान रखना है, एक तो स्किन को साफ रखेंगे और
रेगुलरली प्रोटेक्ट करेंगे खासतौर पे धूप की किरणों से। इंटरनल अगर आप किसी सिस्टमिक समस्या से ग्रसित हैं तो उसका आपने उपचार की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनली इंटरनल मेडिसिन का सपोर्ट चाहिए। और कुछ इसके अंदर हमारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि मदर टिंचर्स हैं होम्योपैथी में, जैसे बर्बरी सेक्विफोलियम है जिसका हम काफ़ी प्रयोग करते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि हमारी त्वचा के अंदर रंग में बदलाव आता है, पर उसको लगातार फॉलो करना होता है, मीन्स 5-6 महीने लगातार करते हैं एंड फिर हम उसको धीरे धीरे करके टेपर होते हैं। और साथ में हम रात को भी साफ करने के लिए आपको एडवाइस करते हैं, इन स्कार्स पे जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है वो आप क्लीन करके ही रात को सोएं। तो अगर आप इंटरनल भी सपोर्ट लेते हैं और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी से आप अपने जो ग्रीस है उसकी मात्रा भी नहीं बढ़ाएं और जो पिगमेंटेशन आ गई है वो भी स्लोली टेपर ऑफ करें, तो आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सो व्यूअर्स, मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि कोई भी अपने स्किन या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जस्ट हैव पेशेंस। वलेडा लाइफ इज विथ यू ऑलवेज टू हेल्प यू थ्रू आउट। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कॉल करें, हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर सीमा, स्किन पे कभी कभी कोई वाइट दाने हो जाते हैं, सफ़ेद पैचेस आ जाते हैं, वो क्यों होता है, क्या होता है वो? देखिए, जो वाइट पैचेस होते हैं इसके अंदर रीजंस होते हैं कि आपके स्पॉटिंग आप केवल अपने चेहरे पे देख रहे हैं या आप जनरलाइज देख रहे हैं, और इसके अंदर क्या इन्फेक्शंस हुई हैं या कोई इन्फ्लेमेशन आई है या आपका कहीं स्कार हुआ है। जैसे अभी हमने पिंपल्स की बात करी तो हमने देखा कि पुबर्टी में बढ़ते हैं, पर हम देखते हैं कि जहाँ पे प्रेगनेंसीज भी आती हैं या मीनोपॉजल एज ग्रुप में भी हम देखते हैं कि एक्नी आता है, पर एक्नी के बाद जो स्कार छूटता है वो वाइटनेस पे लिया होता है, क्योंकि मुहासे के अंदर आपके सरफेस पे सूजन आई, इन्फ्लेमेशन आई, आपने उसको हाथ से पील किया तो वही स्कार का रूप ले लेती है। पर पेशेंट के अंदर ये परेशानी होती है क्योंकि उसका माइंड स्ट्रेट अवे जाता है कि कहीं हमारा ये सफ़ेदक विटिलिगो का परिवर्तन तो रूप नहीं है। या आप बच्चों के चेहरे पे आप देखते हैं कि कुछ स्कार आते हैं 13-14 साल की उम्र में, वो पिट्यूटरीसिस एक अल्बा कंडीशन है, और अगर आप लगातार अपनी स्किन को रेगुलरली साफ के साथ साथ मॉइस्ट करें, मीन्स आप नमी दें, तो आप देखेंगे वो सफ़ेद दाग जो कि आप महसूस करते हैं कि कैल्शियम डेफिशिएंसी से है या किसी भी तरह की इलनेस से है, सफ़ेद दाग लिए हुए है, तो आप उसके अंदर सहयोग अपना ले सकते हैं जी। एंड डॉक्टर सीमा, और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी, वेलकम टू वलेडा लाइव, कहिए आपका नाम। हाँ जी मैम, मेरा नाम मनीष बजाज है। कहाँ से कॉल कर रहे हैं मनीष जी? ये मैं साउथ दिल्ली से कॉल कर रहा हूँ। ओके, कहिए आप डॉक्टर सीमा बाली से क्या पूछना चाहते हैं। वो एक्चुअली मैम, मेरे फेस पे ना छोटे छोटे व्हाइट कलर के दाने से हो गए हैं। कितने समय से आप देख रहे हैं ये? कम से कम 3-4 साल हो चुके हैं। पूरे चेहरे पे हैं या आप किसी और एरिया में भी आप देखते हैं? नहीं मैम, वो पूरे चेहरे पे नहीं, मतलब कुछ कुछ पार्ट पे, मतलब ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत है। दानों से आपको कुछ समस्या रहती है? नहीं, ऐसी कोई समस्या तो नहीं है। कि दर्द होता है, खुजली होता है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। या किसी भी तरह की और कोई इसके अंदर आप बदलाव रंग में देख रहे हैं? ऐसी वो छोटे, बहुत छोटे छोटे से टाइनी होते हैं ना, वैसे वो वैसे ही रहते हैं। देखिए, अब इनके एज ग्रुप के अंदर आपको ये जानना होगा, जिस आपका समस्या है इरप्शन की, तो अक्सर आप देखते हैं कि 22 साल की उम्र में धीरे धीरे करके ये समस्या कम हो जाती है, क्योंकि हमारी त्वचा के नीचे जो थैलियाँ होती हैं जो तेल सिक्रेट करती हैं, वो कहीं पे भी उनकी क्लॉगिंग हो जाती है कि उनके जो छेद होते हैं वो किसी भी तरह का इन्फेक्शन से, चाहे वो आपके एक्सटर्नल, आप कोई भी सरफेस पे अगर आपने कोई कॉस्मेटिक ही अप्लाई किया या कोई ऑयली प्रिपरेशन ही अप्लाई किया, तो उसमें क्लॉगिंग हो करके वो इन्फेक्शन आपकी नीचे स्मज कर जाती है, मीन्स डिपॉजिट हो जाती है। अब इसमें आपको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, एक तो स्किन को रेगुलरली साफ रखेंगे, और कोई भी इस तरह की ऑयली प्रिपरेशन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। आपको अपने ये जो लीजन्स हैं इनको अपने बार बार हाथ नहीं लगाना है। अब क्योंकि इरप्शंस हो गए हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ सपोर्ट की आवश्यकता है, जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं, मदर टिंचर्स होती हैं, उसको आप लगातार प्रयोग करेंगे,
और ये भी आपने देखना है कि आप कोई इंटरनल अगर मेडिसिन का भी प्रयोग कर रहे हैं उसकी भी एक सूची बनाएं कि ये उसको रिक्वायर्ड है या नहीं है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो ड्रग इंड्यूज है, इंटरनल समस्या है, वो भी इस तरह के इरप्शंस कॉज करते हैं और वही एक एक्नी का इस तरह का रूप देखते हैं कि आपको इरप्शन में दिख रहा है। तो आप इसमें ज़रूर सहायता हमें ज़रूर करें जिससे कि आपका ये समस्या में समाधान होगा। ठीक है, थैंक यू मनीषी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। दोस्तों हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये एज जो होती है 20-22 साल के आसपास की एज, वो मुहासों के लिए बहुत ही आम एज है एंड दैट इज द टाइम वेयर यू हैव टू बी वेरी काम पीसफुल। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बस अपने स्किन का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें एंड ऑलवेज यूज नेचुरल प्रोडक्ट्स, स्टे कनेक्टेड टू वेलिडर लाइफ, आई एम श्योर आपको मदद होगी। डॉक्टर सीमा, आगे बढ़ते हुए मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो डल स्किन होती है, बहुत ही डलनेस आ जाती है, मतलब ड्राई एंड डल स्किन, उसमें कैसे ब्राइटनेस लाई जाए? देखिए, डलनेस हम सरफेस पे देखते हैं जब हमारे एक्सटर्नल लेयर डिप्लीट ना हो करके वहीं पे ही अटैच रहती है, तो वो हमें निकालना है, मीन्स हमें एक्सफोलिएट करना है। तो इसके अंदर आप एक्सटर्नली एक्सफोलिएट करें, स्किन को साफ रखें और पूरी नमी दें जिससे कि हमारी जो एक्चुअल लस्टर है, क्योंकि लस्टर आता है नीचे के डर्मल स्किन में जिसमें बहुत अच्छा सर्कुलेशन होता है, तो तभी आप अपनी चेहरे को रोजी भी पाएंगे और अपनी डलने से भी आपको समाधान जरूर मिलेगा। राइट, वंडरफुल डॉक्टर। और अब हमारे साथ और एक कॉलर जुड़े हैं, देखते हैं वो क्या पूछते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मैं विवेक बोल रहा हूँ। मेरे आंखों के नीचे काले धब्बे थे और बहुत ज्यादा थे, तो डॉक्टर साहब से, डॉक्टर सीमा बाली जी से मैंने ट्रीटमेंट किया, तो अभी मुझे 1.5 महीने हुए हैं, मुझे काफी आराम हो गया है। थैंक यू। तो मुझे लग रहा है कि मेरे ये धब्बे एकदम निकल जाएंगे, इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाह रहा हूँ। थैंक यू, आपने बस समय दिया और आपने इसको प्रयोग किया, पर इसमें आप अपने आप को रेगुलरली फॉलो करते रहें, स्किन का भी ध्यान रखें और धूप से और एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस आप अपनी सरफेस में करें जिससे कि यह समस्या आपकी दोबारा सरफेस में नहीं आए। जी जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सीमा जी, हम लगातार ऐसे बहुत सारे कॉल्स हमें आते रहते हैं और ईमेल्स आते रहते हैं, ऐसे ऑडियंस जो आपके वेलेडा लाइफ से, आपकी ट्रीटमेंट से बहुत ही खुश है और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं उन्हें, और हमें भी खुशी होती है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आगे बढ़ता जा रहा है, सक्सेसफुल होते जा रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या वेलेडा लाइफ के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारी कांटेक्ट डिटेल्स। वेलेडा वेलनेस सेंटर, प्लॉट नंबर 5, कौशाम्बी कमर्शियल एरिया, निया कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन, पिलर नंबर 191, गाजियाबाद 201010। हमारा ईमेल आईडी है doctor@veledalife.com। हमारी वेबसाइट है www.validalife.in। वेलिडा लाइफ का स्किन केयर इन एक्ने किट, जो मैनेज करता है एक्सेसिव ऑयली स्किन कंडीशन को और